हेलो गाइस एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है दुबले पतले लोग जो अक्सर अपनी कम वज़न की वजह से परेशान होते हैं। हम इंसानों में जो अक्सर अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए तब भी परेशान होते हैं और अगर वज़न कम रहे तब भी परेशान होते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब वज़न बढ़ जाता है मोटापे की तरफ जाते हैं तब भी वेट कम करना होता है। अगर वेट ज़्यादा कम हो जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी वेट बढ़ाना होता है। जैसा कि हमारा जो वेट है वो कद के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि 1 इंच पे 1 किलो के हिसाब से जो हमारा वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो मोटापे की तरफ है, अगर उससे कम है तो आप वेट लॉस का शिकार हैं। वेट को कैसे बढ़ाएं और कौन सी काजिज हैं जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ता, और कौन सी जो इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट वगैरह करवानी होती हैं, और कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन आती हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। वेट कम होने के कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि क्रोनिक बीमारियां आ गई, क्रोनिक डिजीज जिसे कि जिन्हें कहते हैं, टीबी हो गई, या डायरिया रहना, या डायसेंट्री अक्सर होना, स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में रहना, एनजाइटी में रहना, या डायबिटिक हो गई, डायबिटिक जो 2 होती है वो अक्सर वेट गिरवाती है, और हाइपर थायराइडिज्म हो गई, उसकी वजह से भी वेट जो है अक्सर बढ़ता भी नहीं है और काफ़ी लोगों का जो है गिर भी जाता है। एड्स हो गई, एड्स की जो बीमारी है उसमें भी वेट जो है कम हो जाता है, या उनकी वजह से भी वेट जो है गिर जाता है। ओसीडी हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिन्हें कहते हैं, उनकी वजह से भी वेट नहीं बढ़ता। ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, उनकी वजह से भी वज़न जो है अक्सर जो गिर जाता है, वेट लॉस का शिकार हो जाते हैं लोग। सेलिक डिजीज हो गई, जो डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम होते हैं, सेलिक डिजीज आ गई उनमें, और हार्ट फेल्योर आ गया, हार्ट फेल्योर की वजह से भी जो है वज़न अक्सर गिर जाता है। तो सिम्टम्स इसमें कौन से आते हैं? इसमें जो पहला सिम्टम्स आता है मरीज को खुद को ही पता होता है, लेकिन अर्द गिर्द के घूमते हुए लोगों को भी पता है बताया कि इसका जो वज़न है गिर गया, यानी कि वो उनकी उनमें हड्डियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं लेकिन गोश्त उनमें ना होने के बराबर होता है, यानी कि उनका वज़न जो है अक्सर गिर जाता है। वो लोग जो है अक्सर सूख जाते हैं लेकिन उनकी जो शेप है आम से थोड़ी कमज़ोर आ जाती है, उनका जो फेस है वो थोड़ा डल हो जाता है, यानी कि उनका चेहरा अक्सर उतरा हुआ रहता है, उनमें जो हार्ट बीट है वो अक्सर, यानी कि दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, उनमें गुस्सा ज़्यादा आता है, यानी कि वो थोड़ी सी बात पे ज़्यादा एंगर कर जाते हैं, और नेगेटिव थाट्स उनमें ज़्यादा आते हैं, मनफी ख्यालात जो है उनमें ज़्यादा आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ब्लड टेस्ट हैं वो कौन सी करवानी होती हैं? इसमें जो पहली टेस्ट है आप FBS और RBS, यानी कि जो ब्लड शुगर की टेस्ट हैं ये ज़रूर करवाएं। अगर आप HbA1c भी करवा सकते हैं, उसमें 3 महीने की पूरी हिस्ट्री भी आ जाती, थायराइड प्रोफाइल भी आप करवा सकते हैं। LFT करवाएं, LFT करवाने से जो जिगर के अमराज होते हैं उनके बारे में पता पड़ जाता है। StuhlDR करवाएं। होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन है जो आपको वेट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से, बिना कोई आपको तकलीफ देकर आपका जो है वज़न बढ़ा सकती है? इसमें जो पहली मेडिसिन आती है वो है Abiraterone 30। आप 2 ड्राप 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन लें, बच्चे हैं, बच्चों का अगर वज़न नहीं पड़ता तो आप उनको 1 बूंद 1 दिन या छोड़कर 3रे दिन आप दें, मुसलसल 1 महीने तक दें, उनका जो वज़न है बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ में आप अल्फ़ा अल्फ़ा सीरप आती है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर जो बच्चे ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने के आदि हों, या बड़े लोग हों जो नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हों, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, वो मरीज़ जो है Netrum 30 का इस्तेमाल करें, रोज़ाना 2 ड्राप इस्तेमाल करें, 1 महीने तक लें, उनका जो वज़न है बढ़ जाएगा। अगर किसी का स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी की वजह से उनका जो वज़न कम हो रहा है तो वो Kalyfast 6S का इस्तेमाल करें, उनकी 4 गोलियां रोज़ाना दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, आपका जो वज़न है बढ़ जाएगा। और उसके साथ जो है रोज़ाना
दो दो केले सुबह, दो दोपहर को, दो शाम को इस्तेमाल करें। एक महीने तक आप केले का इस्तेमाल करें और साथ में एक अंडे का भी इस्तेमाल करें रोज़ाना। रात को आप अगर अंडा एक खाने से आपको तकलीफ़ नहीं होती तो आप उसका भी साथ में इस्तेमाल करें, और दूध का भी इस्तेमाल करें। आपका जो वज़न है एक महीने के अंदर बढ़ ही जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर सुबह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।